नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल। आप देख रहे हैं खबर अभी तक। विधानसभा का बजट सत्र 3 दिन के अवकाश के बाद आज से फिर से शुरू होगा। सत्र के पहले बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की तरफ से रणनीति बनाए जाने की संभावना है। विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। बजट सत्र की अब 4 बैठकें ही बची हैं, जिनमें से एक दिन प्राइवेट मेंबर डे के लिए रखा गया है। ऐसे में बजट सत्र के शेष दिनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष दल कांग्रेस की तरफ से सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरे जाने की संभावना भी है, जिस पर विधायक दल अंतिम निर्णय लेगा। इसी तरह सत्ता पक्ष भी विपक्ष को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए रणनीति बनाएगा, यानी पक्ष विपक्ष के मध्य फिर से तीखी नोकझोंक देखी जा सकती है, फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। 2 से 3 बजे तक का समय प्रश्नकाल का तय किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री सदन को साप्ताहिक कार्यसूची से सदन को अवगत कराएंगे, साथ ही दस्तावेजों की प्रतिलिपियां और सदन की समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। इसके बाद नियम 62 के तहत चर्चा होगी। विधायक जगत सिंह नेगी हाल ही में प्रदेश में असामाजिक तत्वों की तरफ से दर्जनों विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं को तोड़े जाने और विधायक राकेश पठानिया के बैंक को लेकर मामला उठाएंगे। हिमाचल में आज क्या कुछ रहेगा सदन के भीतर और किस तरीके से हंगामा बरपने की संभावना है, बताएंगे हमारे संवाददाता उमेश शर्मा। फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। उमेश, किस बात की उम्मीद है, हंगामा होगा या काम? अभिषेक, देखिए है लगातार जैसे विधानसभा पूरे सत्र में हंगामा देखने को मिला, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला, तो आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज भी हंगामे रहने वाला है सत्र। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों विधायक कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाए थे कि उनकी अनदेखी की जा रही है, उनका जो सम्मान है उसका उसका निरादर किया जा रहा है, विधानसभा की गरिमा का निरादर किया जा रहा है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके सदन में विपक्ष लगातार हंगामे करता रहा है। उसमें और कुछ मामले भी जुड़ गए जिसमें विधायकों की शिलान्यास पट्टिकाएं तोड़े जाने, पूरी सरकार में किए गए जो भी जो नींव पत्थर या कुछ इस तरह की जो तमाम जो विकास कार्य के लिए फाउंडेशन स्टोन कर रखे गए उनकी पट्टिकाएं तोड़े जाने का मामला भी है, और एक और केसीसी बैंक में घोटाला उसको लेके भी सदन की तरफ से सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव दिए गए जिसमें चर्चा होनी है, नियम 62 की तरफ चर्चा होनी है, नियम 23 की तरफ कुछ ऐसे नियम है जिनके भी विशेष नियमों के तहत चर्चा होनी, तो उनको लेके उम्मीद यही जताई जा रही है आज की, आज भी हंगामा होगा, आज भी सदन की कार्यवाही जिस तरह सुचारू चलनी चाहिए थी नहीं चल पाएगी, क्योंकि पिछले लंबे टाइम से आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हंगामा सुबह प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते हंगामा होता है और शाम देर तक उसमें वॉकआउट चलता रहता, तो आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि पहले दोनों विधायक दलों की बैठक होगी सदन विधानसभा परिसर में, उसके बाद मानना यह भी है कि स्पीकर दोनों विधायक दलों के नेताओं को बुला के कुछ समझौता कराने की बात करें, फ्लोर मैनेजमेंट के लिए कुछ सत्ता पक्ष की तरफ से भी कोई प्रस्ताव आ सकते हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर अभी हालांकि अभी बैठकें बुलाई गया नहीं इसका पता नहीं है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि एक बार स्पीकर दोनों के बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से भी एक सुझाव दिया गया है कि सत्र के 3-4 दिन बाकी बचे हैं, तो इसमें जो जो कार्य हैं, जो जनहित के जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाए, तो तमाम ऐसी बातें हैं उसको लेकर बात होने की संभावना है। हालांकि दोनों पक्षों की अभी विधायक दल की दोनों की बैठक होनी भी है, तमाम तरह की बातें आनी है, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह है कि उम्मीद यही है उमेश के आज भी हंगामा बरपेगा। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों सदन के भीतर हंगामा बरपा, कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता व्यक्तिगत लड़ाई में कूद पड़े, उससे इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि आज अवकाश के बाद जब दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो यही नजारा देखने को मिलेगा। उधर बड़ी खबर यह है कि सदन की कार्रवाई के बाद कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में भी आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शिमला हिमाचल मंत्रिमंडल की आज हम बैठक होने वाली है, बैठक में क्या कुछ बातचीत होगी, किन प्रस्तावों पे मुहर लगेगी ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैठक करते हैं या दौरा करते हैं और विपक्ष उनको घेरने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि जब भी बैठक होती है या फिर कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें कांग्रेस के लिए एक झटका भी मिलता है। इस बार क्या झटका मिलेगा और प्रदेश के लोगों के लिए क्या राहत मिलेगी, हमारे साथ लगातार बने हमारे संवाददाता उमेश शर्मा जो बताएंगे कि किस तरीके से आज की बैठक में क्या कुछ हो सकता है। उमेश, क्या कोई अहम प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होगी बैठक?
तो विधानसभा सत्र के बाद होगी बैठक और बैठक में भी कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। बैठक के लिए जा सकते हैं अहम फैसले। बड़ी खबर आपको बता दें कि बैठक में उम्मीद है कि कई बड़े फैसले हो सकते हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की यह अहम बैठक सदन की कार्रवाई के बाद होगी और लगातार हिमाचल की सरकार बैठकों का दौर करती रही है और कैबिनेट बैठक में पिछली कैबिनेट बैठक में एक बड़ी राहत की खबर निकल के सामने आई थी कि हिमाचल के लोगों को अब छोटे छोटे टोल बैरियर्स को नहीं देना पड़ेगा, यानी कि टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा और करीब हिमाचल के 55 टोल टैक्स पर हिमाचल की गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को फ्री कर दिया गया। हमारे संवाददाता उमेश शर्मा फोन लाइन पे बने हैं। उमेश, क्या आज की बैठक में भी कोई बड़ी राहत की खबर निकल के सामने आ सकती है? देखिए, राहत का तो फिलहाल नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन कैबिनेट में दो तीन महत्वपूर्ण विषय, जैसे एक स्पोर्ट्स बिल था, काफी विवादित रहा है पिछली सरकार में स्पोर्ट्स बिल को लेके। सरकार, हालांकि सरकार इसमें फूक फूक पे कदम रख रही है क्योंकि बहुत बड़ा विवादित बिल रहा है स्पोर्ट्स बिल, जिसमें कि एचपीएससी को सुविधाएं देने और तमाम तरह की और बातें जिसमें कही गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में पिछली सरकार में बहुत बड़ा ये मुद्दा बना था और क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के जो अभी वर्तमान सरकार है उनके भाजपा के घोषणा पत्र में भी ये मामला था। तो एक तो स्पोर्ट्स बिल लेके कुछ चर्चा होती है, दूसरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है सरकार का, जिसमें सरकार एजुकेशन एक्ट की बात करी है, ट्रांसफर पॉलिसी की बात करी, वो पॉलिसी भी आती है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके सरकार सदन में कानून बना के इनको अमलीजामा बनाना चाहती है। एजेंडे में फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं कि ये दो मुद्दे हो सकते हैं। उसके बाद और कई विधायी कार्य हैं जिसको सरकार विधानसभा के पटल में लाके कानूनी रूप देना चाहती है। तो ऐसे कुछ मुद्दे आने की संभावना जिसमें सरकार अपने जो एजेंडे के तहत काम करना चाह रही है, जो सरकार के घोषणा पत्र में भी है, उनको कानूनी अमला बनाने की कोशिश कर सकती है। तो तमाम ऐसी कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके सरकार सदन में इन मुद्दों को लाना चाहती है, उसी को लेके कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। लगातार सत्र से पहले ये बैठकें हो रही, लगभग चार बैठकें सत्र हुई है। तो आज भी इस बैठक को लेके उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि सरकार कुछ ऐसे जनहित के मुद्दों को लेके आना चाहती है, जिसको सदन में लाके कानून बनाना चाहती है। अभिषेक। बिल्कुल उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा सत्र के बाद एक बैठक भी होगी, विधानसभा की कार्रवाई के बाद एक बैठक होनी है जिसमें अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। और जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे हमारे संवाददाता उमेश शर्मा की, दो अहम प्रस्तावों पर भी बातचीत हो सकती है जो कांग्रेस के बड़े आरोप है। लेकिन हिमाचल के लिए आज कुछ और बड़ी खबरें हैं।